The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. हेलो एवरीवन, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं डॉक्टर परमजीत और आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। दोस्तों, जॉइंट्स में सूजन, पैरों में दर्द, बैक पेन, गर्दन में दर्द, जॉइंट प्रॉब्लम बहुत कॉमन है। ओल्ड एज में बहुत ज़्यादा कॉमन है। लोगों को लगता है उम्र हो गई है अब तो पेन होगा ही, बट ऐसा क्यों होता है? चोट लगने के बाद पेन क्यों होता है? भारी वजन उठाने से जिम जाने वाले लोगों को घुटनों में, बैक में इंजरीज बहुत कॉमनली होती है। इंजरीज, माइक्रोस्कोपिक इंजरीज और पेन, जॉइंट प्रॉब्लम्स आर वेरी वेरी कॉमन। क्यों होता है? दोस्तों, आज हम इस चीज़ के बारे में बात करेंगे कि कौन सी ऐसी चीज़ है एक जिसका नाम है कोलेजन। जी हाँ, कोलेजन ये वो चीज़ है जिससे आपके जॉइंट के अंदर जो कार्टिलेज है, जो जॉइंट है, जो बोन है, बहुत सारी चीज़ें इसी से बनती हैं। ये मेन बिल्डिंग ब्लॉक है। तो इसका क्या रोल है, ये कैसे आपको हेल्प कर सकता है, काम आ सकता है, इस चीज़ के बारे में आज अब बात करेंगे पूरे डिटेल में। इसके साइड इफेक्ट, इसके डोज, इसको कैसे लेना। दोस्तों, कोलेजन एक मेन स्ट्रक्चरल प्रोटीन है जिससे आपके शरीर में बहुत सारे कनेक्टिव टिश्यूज बने हैं। कनेक्टिव टिश्यू जैसे कि आपके बोन, आपके बॉडी के अंदर जितने भी टेंडन्स हैं, टेंडन्स, लिगामेंट्स, मसल्स, इवन मसल के अंदर का एंडोमाइसियम, आपके आंखों का कॉर्निया, इन सब में कोलेजन है। राइट, आपके बॉडी के अंदर जो डिस्क है, पीछे डिस्क, आपके हड्डियों के पीछे बोन्स के आसपास का जितने भी जॉइंट कार्टिलेज है, जॉइंट है, राइट, आपके इंटेस्टाइंस, आपके स्मूथ मसल्स, ये सारी चीज़ें जो है इसमें कोलेजन का इस्तेमाल होता है। राइट, और ये कोलेजन डिपेंड करता है, इस कोलेजन के अंदर कितना मिनरल है, मिनरलाइजेशन कितना है, उस पर डिपेंड करेगा कि ये कैसा बन जाए। क्योंकि कोलेजन अल्टीमेटली अमाइनो एसिड कॉम्प्लेक्स है। ये बेसिकली एक अमाइनो एसिड से बनते हैं, अमाइनो एसिड जो एक साथ इस तरह से वूवन है कि ये आपके एक ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर बन जाता है। और इसमें जितना मिनरल होगा उतना ही ये रिजिड हो जाएगा। जैसे बोन इज अ रिजिड स्ट्रक्चर जिसमें बहुत सारा मिनरल्स है, आपके कैल्शियम, फॉस्फेट, बहुत सारे मिनरल्स भरे हैं। तो कोलेजन के भी प्रकार है, कोलेजन अलग अलग टाइप के हैं। बॉडी के अंदर जितना सारा कोलेजन है, 90% कोलेजन टाइप 1 है, और लेकिन 28 से ज़्यादा टाइप है कोलेजन के। और जिसमें टाइप 1 जो ज़्यादातर पाया जाता है आपके स्किन में, आपके टेंडन में, ब्लड वेसल ऑर्गन्स में, और कुछ पार्ट बोन में। टाइप 2 कोलेजन मेन होता है आपके जॉइंट कार्टिलेज में। तो जॉइंट कार्टिलेज का मेन कंपोनेंट, मेन कार्टिलेज में जो मेन कोलेजन है वो है टाइप 2 कोलेजन। इसके अलावा टाइप 3 जो टाइप 1 के साथ रेटिकुलेट फाइबर्स में मिलता है, और टाइप 4 बेसल एंडोथीलियम में एपिथीलियम में मिलता है, और बेसल बेसमेंट मेम्ब्रेन में सेल्स के, और टाइप 5 होता है जो हेयर्स में, प्लासेंटास में मिलता है, राइट, सेल सरफेस पे। कोलेजन का इस बहुत सारी जगह प्रेजेंट होने के वजह से इस कोलेजन का इस्तेमाल मेडिकल यूज में किया जाता है बहुत कॉमनली। यहाँ तक के हार्ट के जो ग्राफ्ट्स बनते हैं, जो प्रोस्थेसिस बनते हैं, आर्टिफिशियल वैल्व्स लगते हैं, उनमें कोलेजन का भरपूर यूज़ होता है। कॉस्मेटिक सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, बोन ग्राफ्ट्स, टिश्यू रीजनरेशन, रिकंस्ट्रक्टिव सर्जिकल यूजेस इसके बहुत हैं। वूंड केयर, जब चोट लग जाती, घाव हो जाता है, उसको भरने का काम भी, उसके लिए भी कोलेजन बहुत काम आता है। तो इसीलिए कोलेजन के बहुत इस्तेमाल, बहुत यूजेस है। और ये कोलेजन ओरली भी लिया जा सकता है। जब कोलेजन को हाइड्रोलाइज किया जाता है तो ये कोलेजन छोटे छोटे पेप्टाइड, जो प्रोटीन होता है, टूट के छोटे छोटा पेप्टाइड बन जाता है, जो कि बहुत आसानी से आप खाते हैं डाइटरी सप्लीमेंट के हिसाब से। और ये आपके जॉइंट और बोन, इवन स्किन की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। ये देखा गया है रिसर्चेज में कि कोलेजन नेटिव कोलेजन से भी, जो हाइड्रोलाइज कोलेजन होता है, और वो नेटिव कोलेटिन कोलेजन से 90% तक हाइड्रोलाइज कोलेजन डाइजेस्ट होके आपके खून के अंदर अवेलेबल हो जाता है मात्र 1 घंटे में लेने के बाद से।
राइट. सो कोलेजन ब्लड स्ट्रीम में प्रेजेंट हो जाता है और ये वहां से ब्लड स्ट्रीम में टारगेट ऑर्गन के पास ले जाया जाता है, जैसे कि आपके जॉइंट हो गए, आपके बोन हो गए, आपके वुंडेड एरिया हो गया, या आपके स्किन हो गया जहां इंजरी है, जहां पे हीलिंग होनी है. वो हीलिंग प्रमोट करता है और एक बिल्डिंग ब्लॉक बन जाता है जिससे कि नया कोलेजन, नया कार्टिलेज, नया बन पाएगा स्किन या हीलिंग प्रोसेस हो पाएगा. कोलेजन नॉर्मली आपको जो सप्लीमेंट किया जाता है वो चिकन कोलेजन यूज होता है. चिकन कोलेजन जॉइंट पेन और बहुत से आर्थराइटिस के बैक पेन, जॉइंट पेन, नेक पेन और जो सर्जरी ऑपरेशन होती है जॉइंट पे, बोन्स पे, उनके बाद वाला जो पेन होता है उसके लिए यूज किया जाता है. इवन सर्जरी के लिए यूज किया जाता है चिकन कोलेजन हीलिंग के लिए, राइट. इसमें जो मेन कोलेजन होता है वो टाइप 2 कोलेजन होता है. टाइप 2 कोलेजन आपकी बॉडी में कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स, ऐसे सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करता है जिससे कि पेन और स्वेलिंग भी कम होती है, राइट. इस पे रिसर्चेस भी चल रहे हैं बहुत जोरदार और कई रिसर्चेस में ये प्रूव हुआ है. जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस की अर्ली रिसर्चेस में पता चल रहा है टाइप 2 कोलेजन को MSM मिथाइल सल्फोनिल मीथेन के साथ अगर आप किसी विटामिन सी टर्मिनेट और एक प्रोडक्ट ऐसे इनके कॉम्बिनेशन में लेते हैं 12 वीक तक, तो उससे जॉइंट पेन, पेन जॉइंट में दर्द, टेंडरनेस, आपके घुटनों में दर्द, जिनको आर्थराइटिस है, बुढ़ापे का पेन है, जिनको बोल रखा है कि हाँ आपके घुटने चेंज होंगे, उनके भी घुटने के दर्द कम होते हैं. जी हाँ, कम होते हैं, लेकिन उससे उनके एक्सरेज ठीक नहीं होते. ये नहीं होगा कि घुटने पूरे वापस के वापस ठीक हो जाएंगे, ये ज़रूर होगा कि कुछ और साल आप निकाल लेंगे, चाहे 5 हो चाहे 10 हो, डिपेंडिंग अपॉन केस टू केस बेसिस, राइट, डिपेंडिंग अपॉन दैट. यही सेम चीज़ होती है दूसरे केसेस में, जब सर्जरी के बाद रिकवरी होनी है, इंजरी हो गई है, बैक पेन है, जॉइंट पेन है, नेक पेन है, लोअर बैक पेन है, उनमें भी ये हेल्प करता है बहुत अच्छी तरह से. रूमेटॉइड आर्थराइटिस वाले पेशेंट्स जो होते हैं उनके केस में क्या होता है कि कॉन्फ्लिक्टिंग रिसर्च है. कुछ रिसर्चेस ने ये बताया है कि 3 महीने अगर आप इसे खाते हैं तो जॉइंट पेन, स्वेलिंग कम होती है, चलने फिरने की क्षमता बढ़ जाती है. कुछ रिसर्चेस बताते हैं लंबे समय लेने पे लेकिन वो वापस वैसे का वैसा कंडीशन आ जाती है. तो लॉन्ग टर्म यूजफुल शायद ना हो लेकिन फिर भी इट्स वर्थ अ ट्राई, बिल्कुल ट्राई किया जा सकता है. देखिए कोलेजन के खासकर ऐसे कोई खास साइड इफेक्ट नहीं है, बहुत अनकॉमन है उसके साइड इफेक्ट्स. कुछ लोगों में साइड इफेक्ट्स होते हैं जिनको पेट में स्टमक प्रॉब्लम्स हो सकता है, जिनको डिजीनेस आ सकता है, हेडेक हो सकता है, सोने में प्रॉब्लम आ सकती है, लिवर में प्रॉब्लम आ सकती है, ये सारी चीज़ें हो सकती है बहुत रेयरली, लेकिन साइड इफेक्ट्स पॉसिबल होते हैं. प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग वाले लोग जो ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हैं, प्रेगनेंस वुमेंट हैं, वो लोग इनको ना लें क्योंकि अभी रिसर्चेस में उसकी इस पर्टिकुलर कंडीशन में सेफ्टी असर्ट नहीं की है. तो बेटर बी सेफ साइड रहे, सेफ रहें, ना लें, राइट. चिकन एलर्जी जिस जिनको है, चिकन एलर्जी, एग एलर्जी है, वो पीपल, उन लोगों को क्योंकि ये चिकन कोलेजन से यूज़ होता है इसमें, तो उनको एलर्जिक रिएक्शंस उस वजह से हो सकते हैं अगर उन्हें चिकन से एलर्जी है, तो फिर वो उससे अलग रहे, राइट. सो ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है. टेक्निकली जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनके अंदर एक्स्ट्रा मात्रा में ये कोलेजन ऑलरेडी जाता ही है, लेकिन और अच्छी मात्रा में इसको लेने के लिए आप इसके सप्लीमेंट्स यूज़ कर सकते हैं. बहुत सारे सप्लीमेंट्स हैं मार्केट में. दिस वन पर्टिकुलर सप्लीमेंट इज विच आई कैन रिकमेंड, एन वेदा का जॉइंट सपोर्ट. इस पर्टिकुलर सप्लीमेंट में कोलेजन टाइप 2 भी है, उसका मेन इंग्रेडिएंट कोलेजन टाइप 2 है, जिसके साथ इसके अंदर ग्लूकोसामीन, कैल्शियम सिट्रेट, कैल्शियम एस्कॉर्बेट और मिथाइल सल्फोनिल मीथेन भी है. ये सारे प्रोडक्ट्स भी रिसर्चेज में प्रूवन है कि ये जॉइंट के हेल्थ के लिए, जॉइंट के पेन के लिए और आर्थराइटिस के लिए काफ़ी सारे बेनिफिशियल है, पेन रिडक्शन के लिए, जॉइंट की लाइफ बढ़ाने के लिए, हीलिंग में, सर्जरी के बाद, सर्जरी के पहले काफ़ी हेल्पफुल है. तो ये जॉइंट सपोर्ट एनवेदा, दिस विल हेल्प यू, ये हेल्प करेगा, असिस्ट करेगा रिकवरी में, जॉइंट इंजरीज में, आपके बोन जॉइंट हेल्थ में, ऑस्टियोआर्थराइटिस में, जॉइंट हेल्थ सब में आपको मदद करेगा. सो दिस कैन एब्सोल्युटली बी ट्राइड एंड आई विल रिकमेंड यू दिस प्रोडक्ट. इसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा, आप जाके इसको लीजिए, खरीदिए, ट्राई करिए और मुझे बताइए कि आपको कितना आराम आया,
जो लोग खासकर ऑपरेशन नहीं करवाना चाहते हैं उनको तो ये ज़रूर लेना चाहिए, जिनको घुटने का ऑपरेशन बताया गया है लेकिन आप नहीं करवाना चाहते हैं, इट्स बेस्ट कि आप इस तरीके के सप्लीमेंट्स लें और अपने जॉइंट की लाइफ को और बढ़ाएं, राइट? दिस इज़ द एब्सोल्यूट ट्रूथ। उसके जो मैंने साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो भी बताया, जो ये है सारे बताए हैं। सो दिस इज़ द मेन इन्फॉर्मेशन विच आई कैन गिव यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।